नमस्कार दोस्तों, मेट्रो सिटी समाचार की कोरोना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति रही। वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र में आज कुल 104 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए। आज शहर में कोरोना संक्रमण से 4 लोगों की मौत हुई है। अब तक कुल 155 लोग आज डिस्चार्ज हुए हैं और अभी 1088 लोग सक्रिय मरीज हैं जिनका इलाज जारी है। वसई विरार में पाए गए कुल 104 मामलों में आज वसई से 44 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए, जिनमें पूर्व से 11, पश्चिम से 33, नाला सोबारा से आज कुल 27 मामले आए जिनमें पूर्व से 12, पश्चिम से 15, विरार से आज कुल 25 मामले आए जिनमें पूर्व से 13, पश्चिम से 12 और नायगांव से 7, जिनमें पूर्व से 1 और पश्चिम से 6 मामले सामने आए। वसई से पाए गए कुल 44 मामलों में भाबुला से 2, वसंत नगरी से 4, वशाइन से 5, आदम नगर से 1, मानिकपुर से 4, स्टेला से 3, पारनाका से 2, सालोनी से 1, सातीवली से 1, दीवानबान से 3, नर्सरीबाग से 1, मुड़गांव से 1, राम रहीम नगर से 1, साई नगर से 2, अग्रवाल टाउनशिप से 1, सनसिटी से 2, विशाल नगर से 1, पापड़ी से 3, चुलने से 2, कानेकर अस्पताल के पास से 1, केटीवाड़ी के पीछे से 1, ग्लोबल पिरामिड स्कूल के पास से 1 और गुलशन नगर से 1 मामला पाया गया है। नालासोपारा से आज कुल 27 मामले पाए गए, जिनमें पाटनकर पार्क से 2, बस डेपो रोड से 1, मोदीलाज कॉटेज से 2, श्रीप्रस्था से 1, नीलगांव से 1, समलपाड़ा से 4, पांचाल नगर से 1, महेश पार्क से 2 मामले, शीतलदीप बिल्डिंग से 1, राजनगर से 1, बावशेतपाड़ा से 1, रामलक्ष्मण मार्ग से 1, चिंचोली ननभट से 1, संतोष भवन से 1, मोरेगांव से 2, दिनकर निवास से 1, दत्त मंदिर से 1 और सिद्धिविनायक नगर से 1 मामला पाया गया है। विरार से आज कुल 25 मामले पाए गए, जिनमें साईनाथ नगर से 1, मनवेलपाड़ा से 1, गोकुल रेसिडेंसी से 2 मामले, आई बाबा नगर से 1, लाइफलाइन हॉस्पिटल से 1, रुस्तम जी से 1, शनि मंदिर से 2, सकाराम संकुल से 1, जेपी नगर से 1, मोरेगांव नाका से 1, फुलपाड़ा से 1, आगासी से 5, वटार से 1, तिरुपति नगर से 1, जनीबाई से 1, गासकोपरी से 1 और नारंगी से 1 मामला पाया गया। नायगांव से आज कुल 7 मामले पाए गए, जिनमें अमोल नगर से 1, रश्मि पिंक सिटी से 1, पार्श्वनाथ नगरी से 1, जूचन से 1 और अन्य 3 मामले पाए गए।